फेरी के फेरस से इलेक्ट्रोड। फेरी का अर्थ है Fe+3, फेरस का अर्थ है Fe+2, इलेक्ट्रोड है ये। फेरस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, देखो ध्यान से। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जैसे देखो, एक Fe+3 के लिए अपने लेने FeCl3 का विलयन लेने कोई, तो Fe+3 का विलयन टूटेगा तो क्या बनेगा, Fe+3 और 3Cl-। इसी प्रकार Fe+2 के लिए FeCl2 का विलयन ले ले, और FeCl2 का विलयन यदि टूटता है तो बनेगा Fe+2 और 2Cl-। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप ऐसा करो, एक प्लेटिनम का तार ले लो, ये पिट्टी का तार है, पिट्टी का वायर है, इसके आगे वही प्लेटिनम की पन्नी वगैरह लगा देते हैं, और इसे एक ऐसे विलयन में डुबो कर रखा गया है जिसके अंदर क्या है, FeCl2 व FeCl3 दोनों का विलयन भरा हुआ है। जैसे मान लो FeCl2 भरा हुआ है तो ये कैसे टूटेगा, Fe+2+2Cl-। इसी प्रकार से यदि इसके अंदर भरा हुआ है FeCl3 तो कैसे टूटेगा, Fe+3+3Cl-। तो इस प्रकार से दो प्रकार के इसमें आयन बन रही हैं, देखो Fe+2 व Fe+3। तो यहां पर अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किस प्रकार से हो सकते हैं, अंदाजा लगाओ कि यदि ऐसा हो जाए कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और बन जाए Fe+2, तो क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये Fe+3 आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद में क्या बना है, Fe+2 आयन बन गया। तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया, और अपचयन अभिक्रिया होती है उसी पर नेनस्ट की इक्वेशन लगानी चाहिए, और नेनस्ट की इक्वेशन लगाने के बाद में ही सेल का सेल विभव आ जाएगा। दोबारा से देखें इस पर नेनस की इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं अपने, ध्यान दो कि अपने जानते हैं कि E=E₀-RT/NFLN प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ये E क्या है, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड व्यू, यानी कि अपने जब Fe+3 Fe में जाता है, Fe+2 में जाता है तब, और मानक स्थिति में भी Fe+3 यदि Fe+2 में जाता है तब अपचयन विभव लेना है। प्रोडक्ट के रूप में Fe+2 है, रिएक्टेंट के रूप में Fe+3 है। अब ये मान रख दो तो E=E₀-RT/NFNN प्रोडक्ट के रूप में कौन है, Fe+2 आयन, और रिएक्टेंट के रूप में कौन है, Fe+3 आयन। प्रोडक्ट के रूप में Fe+2 आयन है, रिएक्टेंट के रूप में Fe+3 आयन है। फिर इसका क्या कर दो, इसका फिर ये लो जी, और इसका ये लो जी, ये कोई भी है अपने निर्नष्ट इक्वेशन है, इसे निर्नष्ट इक्वेशन कहा जाता है। इसको थोड़ा और आगे हल कर लें तो क्या घटना घटित होगी, ध्यान से देखो, तो देखो E=E₀-R का मान होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, T का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन,
अपने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ई बराबर ई नोट माइनस आर टी अपोन एन एफ एल एन एफ ई प्लस टू अपोन एफ ई प्लस थ्री। तो देखो यहां पर क्या घटना घटित हो रही है कि ई को तो ई लिख दिया मैंने, ई नोट को भी ई नोट लिख दिया है, आर का मान होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, टी का मान होता है 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अपने को मान केल्विन में रखनी है क्योंकि ऐसा ही मात्र केल्विन होता है। एलन को लॉग बेस 10 में बदले तो कितने से गुणा किया जाता है 2.303 से, तो ये लॉग बेस 10 आ जाएगा। एफ ई प्लस टू की सांद्रता ऊपर और प्लस थ्री की नीचे, और अपोन एन एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है एक का, तो यहां पर आ जाएगा एक। और एफ है, एफ क्या है 96487, तो ये आ जाएगा ई का मान। ई सेल निकालना अब हुआ आसान, तो ई नोट सेल में से ये सौदा घटा दो, तो देखो ई माइनस ई बराबर ई नोट माइनस ई नोट, ई कौन सा जब एफ ई प्लस थ्री एफ ई प्लस टू में जा रहा है तब आप चेन विभव ज्ञात कर रही है अपना, तो एफ ई प्लस थ्री अपॉन एफ ई प्लस टू, ये पैर में लिख रहा हूं मैं, माइनस इसका गुणा करते हैं तो आता है 0.0591 स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन एक है, लॉग बेस 10 एफ ई प्लस टू अपॉन एफ ई प्लस थ्री। और ये दिए माइनस को प्लस में बदल दिया जाए, ध्यान दें यदि इस माइनस को कोई विद्यार्थी प्लस के अंदर लिखना चाहे तो ई बराबर ई नोट माइनस, माइनस को प्लस में बदले तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 0.0591 लॉग बेस 10 एफ ई प्लस थ्री अपॉन एफ ई प्लस टू। तो ध्यान देना कि कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है इसका आप चेंज को क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ पर प्लस दे देता है तो एफ ई प्लस थ्री को ऊपर लिख देते हैं, अपने माइनस वाले को टिक कर देते हैं जबकि एफ ई प्लस थ्री भी उसमें ऊपर होता है। तो सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपचयन अभिक्रिया लिखकर 2 सेकंड लगेंगे, ये समीकरण समीकरण लगा देना है अपचयन अभिक्रिया लिखकर। और ये ऊपर नीचे वाला को अच्छी तरीके से जांच कर लेना चाहिए, ज्यादातर विद्यार्थियों की ये दिक्कत होती है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर माइनस वाले के बजाय प्लस वाला उत्तर हो जाता है कई बार।